हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैनफोर्स टैबलेट और हैमर ऑफ थोर जो कैप्सूल आते हैं, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है, क्या इन दोनों के अंदर अंतर होता है। तो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है इन दोनों को लेकर। इनके ऊपर ऑलरेडी हमने काफी सारी वीडियो डाल रखी है दोस्तों, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ओनली डिफरेंट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैनफोर्स जो टैबलेट होती है वो एक एलोपैथिक दवा है, अंग्रेजी दवा है। उसके अंदर साल्ट होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो कि फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर क्लास की दवा है। और दूसरी ओर हैमर ऑफ थोर जो होता है वो होता है एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, देसी प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके अंदर जो है वो सारे के सारे आयुर्वेदिक कंटेंट होते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं उसके अंदर डाली हुई है कंपनी ने। उसकी बात करें मैनफोर्स की, तो दोस्तों मैनफोर्स का जो यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए। मतलब पुरुषों के अंदर तनाव नहीं आता है, प्राइवेट एरिया में उनके ढीलापन रहता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी ओर जो हैमर ऑफ थोर जो कैप्सूल आता है दोस्तों, वो भी थोड़ा बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टाइम में मिलता है जाकर। उसके साथ ही साथ उसको जो लिया जाता है वो टेस्टोस्टेरोन को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। जो पुरुषों के अंदर मेल सेक्स हार्मोन जो बनता है टेस्टोस्टेरोन, उसके ऊपर भी अगर आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी, और इस वीडियो के बाद आई कार्ड में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं। अगर इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपकी बॉडी में कमजोरी है, थकान है, आपको वीकनेस आती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उस कंडीशन में उस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है हैमर ऑफ थोर को। हालांकि वो ईडी में भी काम करता है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी काम करता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम में काम करता है। और मैनफोर्स जो होती है वो एकदम से काम दिखाती है, अपने 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर असर दे देती है। अब बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है कि हैमर ऑफ थोर जो कैप्सूल आता है क्या वो साइज भी बढ़ाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों, ये जो कैप्सूल होता है ये कोई साइज वाइज नहीं बढ़ाता, अगर आप साइज के लिए लेंगे इसको तो ये पैसे आपके खराब जाएंगे, इसलिए आप साइज बढ़ाने के इस्तेमाल में इस कैप्सूल को बिल्कुल ना लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दोनों में से कौन सा लें, मैनफोर्स लें या हैमर ऑफ थोर लें, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी टाइमिंग अगर 10 से 15 मिनट है तो आपको किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है, इतना नेचुरली होता है। उस कंडीशन में आप ना तो मैनफोर्स लें ना हैमर ऑफ थोर लें, इनमें से कुछ भी नहीं लें, आप वैसे ही ठीक है। 10 से 15 मिनट आपके लिए सफिशियंट है, वो ठीक है, तो इसलिए आप कोई सा भी नहीं लें। वहीं जो हैमर ऑफ थोर है दोस्तों, इससे पहले भी हमने भी आपको बताया कि हैमर ऑफ थोर जो है वो लॉन्ग टाइम में रिजल्ट देता है, तो वो जो है एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो आयुर्वेदिक जो है वो लॉन्ग टाइम में अपना रिजल्ट देता है। वहीं जो है मैनफोर्स है वो एक एलोपैथिक दवा है और अंग्रेजी दवा है, तो वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देती है दोस्तों। अब आप अपनी कंडीशन के हिसाब से खुद ही सोच सकते हैं कि आपको कौन सी की नीड है, कौन सी की जरूरत है। और दोस्तों, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही इन दोनों टैबलेट को खाएं। तो दोस्तों, जो है आपको एकदम से रिजल्ट चाहिए तो मैनफोर्स की ओर जा सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टाइम चाहिए धीरे धीरे है तो आपको स्टेमिना बढ़ाना अपना या फिर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप हैमर ऑफ थोर की साइड जा सकते हैं। अब इसकी पैकिंग की बात करें दोनों की, तो हैमर ऑफ थोर जो है वो 30 कैप्सूलों का बॉक्स भी आता है और 60 कैप्सूलों का बॉक्स भी आता है, ब्लैक कलर का इसका बॉक्स आता है, पैकिंग आप इसकी साइड में देख ही सकते हैं। वहीं मैनफोर्स का जो स्ट्रिप आता है, मैनफोर्स का पत्ता आता है, 4 टैबलेटों का दोस्तों, 4 टैबलेट है एक पत्ते के अंदर होती हैं, इसकी भी पैकिंग आप साइड में देख ही सकते हैं। हैमर ऑफ थोर की प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये आपको 1000 या फिर 999 रुपीज में एक बॉक्स मिलता है, और वहीं जो मैनफोर्स आता है वो 150 से 200 रुपीज में आपको 4 टैबलेटों का स्ट्रिप मिल जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि कितने एमजी आप उसका खरीद रहे हैं, 50 एमजी वाला थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 100 एमजी वाला थोड़ा महंगा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये हमने दोनों के दोनों आपको जो है दोनों के डिफरेंट बता दिए कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको आपके लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। तो आई होप आपको हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है काफी पसंद आई होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाकर लाते हैं मेहनत करके, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमारे चैनल को। आप में से काफी लोग चैनल को तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।